सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिंघम अगेन वर्सेस भूलभुलैया 3 की एडवांस बुकिंग का। जी हां गाइस, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते तो बता दूं, सिंघम अगेन की यहां पर कल रात को देखा जाए तो वो 12-1 बजे जो होता है ना उसका मिडनाइट के टाइम, उस टाइम पर और सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग को चालू कर दिया गया। और फाइनली अब देखा जाए तो सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग इंडिया में चालू हो चुकी है। हालांकि अभी भी यहां पर बहुत सारे सिनेमा या भी सिनेमाघरों में यहां पर इसकी एडवांस बुकिंग लगना बाकी है, बट हाँ भाई लिमिटेड में फाइनली यहां पर सिंघम अगेन की भी एडवांस बुकिंग चालू कर दी है, जैसे कि भूलभुलैया की आकर कर दी गई थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिंघम अगेन की क्या कुछ अब तक टोटल एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इंडिया एडवांस बुकिंग की तो बात करेंगे, साथ ही में यहां पर ओवरसीज की भी एडवांस बुकिंग पर नजर मारेंगे कि क्या कुछ एडवांस बुकिंग बाहर के देशों से हुई है। वहीं पर भूलभुलैया का क्या कुछ हालचाल चल रहा है, क्योंकि भूलभुलैया के नंबर्स एक नंबर है यार। मतलब देखो, भूलभुलैया की एडवांस बुकिंग को क्योंकि 2-3 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया गया, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ठीक है, सिंगल स्क्रीन में चालू किया गया, तो उसके नंबर यहां पर बहुत ज्यादा शॉकिंग नजर आए। तो आइए देखते हैं कि क्या कुछ यहां पर करोड़ों में बुकिंग पहुंची नहीं पहुंची, क्योंकि यहां पर 1 तारीख को दोनों ही मूवी को रिलीज होना है, क्लैश लेना है। और भी साथ में 2-3 प्यारी प्यारी अपडेट लेके आऊं, एक तो ऐसी अपडेट है जिसको सुनते ही आपकी हंसी निकल जाएगी। तो आज के वीडियो को यहां पर स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन यहां पर प्लीज वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, बहुत अच्छा लगता है यार, मेहनत से बनती है वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। टिल देन बिना टाइम का आज की अमेजिंग सी वीडियो को यहां पर करते हैं स्टार्ट। So let's start today's video. Let's start it. तो देखो, वीडियो का मेन प्लॉट स्टार्ट करने से पहले अगर बैकग्राउंड में कुछ भी नॉइज आ रही है, मैं शुरू में आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बैकग्राउंड में कुछ भी बम फटाका फूटने की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ 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 प्लीज उसे इग्नोर मार देना प्लीज़। बाकी यहाँ पर बिना टाइम का हम लोग डायरेक्ट रिपोर्ट पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं डायरेक्ट एडवांस बुकिंग, क्या कुछ यहाँ पर हाल चल है दोनों ही मूवीज़ का एडवांस बुकिंग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर भूलभुलैया 3 के बारे में। जी हाँ, जिसकी एडवांस बुकिंग यहाँ पर परसों ही स्टार्ट कर दी गई थी, सिंगल स्क्रीन पर यहाँ पर स्टार्ट कर दी गई हुई। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अनिल थडानी जो कि इसको एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो फिल्म से हम लोग यहाँ पर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इस फिल्म को थिएटर्स में लगा रहे हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही विचित्र सा ऑफर रखा यहाँ पर सिंगल स्क्रीन वालों के पास सामने कि अगर तुम हमारी फिल्म को लगाओगे, ज़्यादा स्क्रीन दोगे, तो हम तुम्हें पुष्पा 2 का कटआउट देंगे, 30 फीट बड़ा। जी हाँ, 30 फीट बड़ा पुष्पा 2 का कटआउट देंगे। तो इसी लालच में बहुत सारे यहाँ पर थिएटर्स ने फिल्म भूलभुलैया 3 की एडवांस बुकिंग 2-3 दिन पहले यानी कि परसों स्टार्ट कर दी गई थी। आइए यहाँ पर बात करते हैं क्या कुछ इसकी अभी तक टोटल एडवांस बुकिंग चालू हुई है, क्या कुछ इसकी कमाई एडवांस बुकिंग के थ्रू हो गई। तो जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, अभी हो रहा है भैया 6:30 है, 6:30 बजे रिपोर्ट आई है, मैं जैसी रिपोर्ट आई वैसी वीडियो बना रहा हूँ। बात की जाए क्या कुछ कमाई हुई, तो इस फिल्म को टोटल शोज़ मिले हैं यहाँ पर 2000 रुपये। जी हाँ, 2090 शोज़ इस फिल्म के पास है। टोटल टिकट सोल्ड आउट यानी कि कुल मिला के कितनी टिकट्स बिकी है, कितनी टिकट सोल्ड आउट हुई है, तो यहाँ पर इस फिल्म में अब तक टोटल 37,800 के करीब यहाँ पर टोटल टिकट्स बेच दिए, सेल कर दिए, जिसके चलते फिल्म की अब तक टोटल जो कमाई, टोटल जो एडवांस बुकिंग के थ्रू कलेक्शन हो गई है, वो हो गई है 96.5 लाख रुपीज़। जी 96.5 लाख रुपीज़, यानी कि 3.5 लाख और बचा, उसके बाद इस फिल्म की कलेक्शन जो है वो हो जाएगी 1 करोड़। जी हाँ, मान के चलो आज शाम के 7-8 बजे तक इस फिल्म की कलेक्शन फाइनली 1 करोड़ रुपीज़, एडवांस बुकिंग इसकी 1 करोड़ रुपीज़ जो मार्क है उसको टच कर देगी। एंड अगर देखा जाए तो रिस्पॉन्स जोरदार है। वहीं भी हम लोग दूसरी तरफ बात करते हैं हम लोग बाजीराव सिंघम, अजय देवगन, नहीं सिर्फ अजय देवगन नहीं, बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म, मैं बात करूँ फिल्म सिंघम अगेन की एडवांस बुकिंग के बारे में। अगर बात की जाए सिंघम अगेन की, तो उसकी एडवांस बुकिंग का बहुत ज़्यादा लोचा हुआ, आप सभी जानते होंगे, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा वरना वीडियो और ज़्यादा लेंदी होती जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोचा हुआ, लेकिन फाइनली यहाँ पर कल रात के यहाँ पर देखा, वो जो मिडनाइट वाला टाइम होता है, ठीक है, 12-11 बजे फाइनली यहाँ पर इसके लिमिटेड शोज को चालू किया गया। अगर बात की जाए क्या कुछ इसका हाल चला है एडवांस बुकिंग में, तो ये रिपोर्ट भी 6:30 बजे की आई हुई है। इसका कहना यह है कि अब तक जो एडवांस बुकिंग चालू हुई है सिंघम अगेन की, इस फिल्म के पास टोटल अभी जो एडवांस बुकिंग के थ्रू जो शोज़ मिले हैं वो है 612। जी हाँ, 612 शोज़ इस फिल्म को दे दिए गए हैं, जिसके चलते टोटल जो टिकट्स सेल हो चुकी, टोटल जो टिकट्स बिकी है वो है 8,100। जी हाँ, लगभग देखा जाए तो 8,100 से ज़्यादा शो टिकट्स इस फिल्म ने अब तक टोटल बेच दिया है, सेल कर दिया है। एंड टोटल कलेक्शन की बात किया कि सिंघम अगेन ने एडवांस बुकिंग के थ्रू कितनी कमाई कर ली है, तो इस फिल्म की टोटल एडवांस बुकिंग कलेक्शन जो हो चुकी है वो है 25.1 लाख रुपीज़। 25.1 लाख रुपीज़ यानी अब मान के चलो 25 लाख से ज़्यादा की देखा जाए तो इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग कलेक्शन करके दिखा दिया। नंबर्स की बात किया तो नंबर
पर जोरदार है। लिमिटेड शोज ही खुले हैं यहाँ पर अभी भी, जो असली बुकिंग खुलेगी ना वो आज रात और कल सुबह। कल सुबह जो धड़ल्ले से एकदम जोरदार यहाँ पर शोज दोनों ही फिल्मों को मिलना चालूंगे, स्पेशली सिंघम अकेन की। कल से असली बवंडर, कल से असली तबाही होना चालू हो गया। अभी जितने शोज खुले हैं उतने के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी कलेक्शन में देखने को मिल रही है दोनों ही फिल्मों की, स्पेशली सिंघम अकेन की। वहीं भी आप पूछेंगे भाई तू बता रहा था ओवरसीज का हाल चाल, तो देखो जो बात की जाए यहाँ पर ओवरसीज यानी कि बाहर के देशों में क्या कुछ एडवांस बुकिंग हो चुकी है दोनों ही फिल्मों की, मैं आपको बता दूँ फिल्म सिंघम अकेन की यहाँ पर ओवरसीज की जो एडवांस बुकिंग है, जी हाँ ओवरसीज यहाँ बाहर के देशों में जो एडवांस बुकिंग कर ले सिंघम अकेन ने, वो यहाँ पर 1.5 लाख से ज़्यादा की कमाई हो चुकी है। 1.5 लाख US डॉलर, जी हाँ 1.5 लाख US डॉलर यहाँ पर जो फिल्म की कलेक्शन है वो हो चुकी है बाहर के देशों में। वही बात की है जो क्या कुछ हाल चाल है भूल भुलैया तरीका, तो इसकी जो कलेक्शन एडवांस बुकिंग में ओवरसीज में यहाँ पर 15-20 लाख कम है, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। अब आप लोग पूछेंगे 1.5 लाख कितना होता है भाई, कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, ये बताओ 1.5 लाख US डॉलर कितना होता है इंडियन रुपीज़ में, आपको बता दूँ तो वो होता है कुछ यहाँ पर 1.26 करोड़ रुपए, जी हाँ 1.26 करोड़ रुपीज फिल्म सिंघम अकेन की एडवांस बुकिंग कलेक्शन हो चुकी है ओवरसीज में यानी कि बाहर के देशों में। बहुत ही अच्छे नंबर्स यहाँ पर, एंड सिंघम अकेन से तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लोगों की है, स्पेशली मेरी भी यहाँ पर लगी कि ये फिल्म एडवांस बुकिंग के मामले में और बाकी कलेक्शंस के भी मामले में ओवरसीज में धमाका मचाए। जी हाँ मैं भी बात की है क्या कुछ हाल चाल है यहाँ पर भूल भैया का ओवरसीज में, तो उसने भी यहाँ पर 1 करोड़ का मार्क आसपास, 1 करोड़ का जो मार्क है उसके आसपास यहाँ पर कुछ है, जितना रिपोर्ट्स का ही कहना है कि वो 1 करोड़ का मार्क अभी तक टच नहीं किया लेकिन उसके बहुत ही करीब है। आज रात तक फाइनली यहाँ पर भूल भैया 3 भी 1 करोड़ का मार्क ओवरसीज में बाहर के देशों में टच कर देगी, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए तो आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है अभी इंडिया में तो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एडवांस बुकिंग खुली सिंघम अकेन की, जिसके कारण अभी एक जोरदार तबाही वाला कंपैरिजन अभी नहीं हो पा रहा लेकिन कल तो जरूर होगा। ठीक है बट अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों ही फिल्में अपने हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। बट यहाँ पर बात किया ओवरसीज में, तो ओवरसीज में दोनों ही को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं किया गया, दोनों को इक्वल शोज इक्वल स्क्रीन्स मिली है, तो उसके हिसाब से सिंघम अकेन यहाँ पर फोड़ के रख दिया ओवरसीज। जी हाँ गाइस तबाही मचा के रख दिया और बहुत ही ज़्यादा बड़ी टक्कर यहाँ पर भूल भैया 3 को फिल्म सिंघम अकेन ओवरसीज में खास करके दे रही है। मैं भी बात की जाए फाइनली कि क्या मैं अपडेट लेके आया था आपको बता दूँ, बहुत ही प्यारी सी अपडेट, हंसी आएगी कुछ लोग को। बहुत सारे यूट्यूबर भाई है जिन लोगों ने एक्चुअली क्या ना आज एक वीडियो बनाया, बहुत सारे एक नहीं 3-4-5-6 मैंने देखा। ठीक है तो क्या हुआ, जैसे कि आप सभी जानते हो कि सिंघम 1 आई थी, सिंघम का पार्ट 1 जो आया था वो टी सीरीज़ वालों की फिल्म थी, या टी सीरीज़ वालों का वो प्रोजेक्ट था, टी सीरीज़ वालों की वो फिल्म थी, तो उन लोगों ने यहाँ पर ना गाना डाला था बहुत समय पहले, आज से 8 साल पहले समथिंग को जब रिलीज़ हुई थी सिंघम 1, तो उन्होंने यहाँ पर गाना डाला था सिंघम का टाइटल ट्रैक, चलो वाला जो मेन उसका फर्स्ट फिल्म का जो टाइटल ट्रैक आया था। और अभी यहाँ पर सिंघम अकेन का जो मेकर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, प्रोड्यूसर उन लोग है जियो सिनेमा वाले यानी कि जियो स्टूडियोज एंड रिलायंस एंटरटेनमेंट वाले, तो इन्होंने यहाँ पर जब टाइटल ट्रैक डाला सिंघम अकेन का, जी मैं बात करूँ सिंघम अकेन जो अभी सिंघम 3 आ रही उसका टाइटल ट्रैक डाला, तो उसमें यहाँ पर 15-20 सेकेंड का यहाँ पर एक क्लिप इन्होंने यूज़ किया जो सिंघम 1 से था। तो यहाँ पर टी सीरीज वालों ने यानी कि जो भूल भुलैया के मेकर्स है एक तरह से, उन लोग ने यहाँ पर तीनों चैनल को यानी कि जियो स्टूडियो की बात की जाए या फिर रिलायंस एंटरटेनमेंट की बात की जाए या फिर अजय देवगन फिल्म्स कंपनी की बात की जाए और भी जो जो बड़ी बड़ी कंपनीज की यूट्यूब चैनल पर एक गाना टाइटल ट्रैक डाला गया सिंघम अकेन का, उन सबको कॉपीराइट स्ट्राइक मार के वो वीडियो डिलीट करा दी। बाद में यहाँ पर जियो स्टूडियो वालों ने आज वो फिर से वीडियो डाली लेकिन वो क्लिप को डिलीट किया। भाई अलग ही लोचा हो रहा है भाई, क्या तबाही क्लैश है, मज़ा आ रहा है देख के, हंसी भी आ रही है, अलग ही मज़ा आ रहा है भाई, क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है हंसने वाली बात है बाकी, अब ठीक है भाई जो कर रहे हैं, बट टी सीरीज़ वालों से ये उम्मीद नहीं थी यार, इतना क्या बोलूँ मैं। ठीक है बाकी आज की बात किया तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो से वीडियो लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना भाई, दिवाली आ रही है मज़ा आ रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप किस फिल्म को पहले देखो, किस फिल्म को आप पहली प्रायोरिटी दोगे, कौन सी फिल्म आप पहले देखने जाओगे। टिल देन क्या मिलते मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।